ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है ये जानने के लिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी लास्ट तक देखें। हमने दो पसीने लिए, इन्हें छील लेंगे हम। इस तरीके से छील लें। अब हम इनके कमल ककड़ी की जो साइड है ये काट लेंगे। मैंने दो आलू लिए हैं, इन्हें मैं छील लूंगी। अब मैं इन्हें काट लेती हूँ, मैं गोल पीस में काट रही हूँ। ये हमने कमल ककड़ी जिन्हें हम बसीले भी कहते हैं छील लिया है, और दो आलू लिए हैं। ये ऑप्शनल, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इन्हें हम ऐसे भी काट सकते हैं। ये मैंने पसीनों को और आलू को काट लिया है। फ्रेंड्स, मैंने ये एक प्याज ली थी और इसे मैंने काट लिया है। ये कुछ लहसुन के कलिए लिए और चने, इन्हें मैं पीस लूँगी मिक्सी में। मैंने कुछ लाल मिर्च ली है, इन्हें भी मैं पीस लूँगी। मैंने अपना सब सामान तैयार कर लिया है। ये कमल ककड़ी जिन्हें मैंने काट लिया था, और ये आलू है, ये हमारे चने का पेस्ट है, ये लाल मिर्च पेस्ट, ये धनिया का और प्याज का पेस्ट है। ये सारे जो मसाले लिए थे उन्हें मैंने एक जगह मिक्स कर लिया है, और ये नमक लिया है। एक कटोरी ली है, इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। ये मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये गरम मसाला आधा चम्मच से कम, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है। इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब पेस्ट बना लेंगे इसका। ये हमने अपना कुकर लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारा है वेजिटेबल ऑयल, हमने ये जीरा लिया है, और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम जीरा डाल रहे हैं। ये एक लाल मिर्च ली थी, इसे मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। हमारा जीरा अच्छे से हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। जो हमारे प्याज लहसुन का पेस्ट है, उसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपने जो मसाले मिक्स किए थे वो डाल रहे हैं। साथ में हमने जो मिर्ची पीसी थी अपनी, मिर्ची भी डाल रहे हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे जो मसाले थे वो अच्छे से भून चुके हैं, और ये हमने 1 से 1.5 मिनट तक भुने हैं, और इन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है, और हमें ये ऐसे रखने थे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जो हमारा चने का पेस्ट है, जो हमने चने पीसे हैं, उसको डाल देते हैं। इससे क्या होता है, चने के पेस्ट से हमारी ग्रेवी अच्छी बन के आती है, इसलिए हम डालते हैं चने। इसमें हम नमक लास्ट में ऐड कर रहे हैं। नमक हम लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं, अगर हम साथ में डाल देंगे मसालों के तो हमारे मसाले जल जाएंगे, इसलिए हम नमक बाद में डालते हैं। हमने अपने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें अपने जो आलू है वो डाल देंगे, और कमल ककड़ी जिसे हम बसिंडे भी बोलते हैं इसमें डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमें लास्ट में पानी डालना है। हमने इसमें पानी डाल दिया है, हमने इसमें 1 गिलास पानी पहले डाल दिया था, थोड़ा अब डाल रहे हैं। हमने इसमें 1.5 से 2 गिलास के आसपास पानी डाला है, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं, और 2 सीटी आने का वेट करेंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इसको
इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।